بسم الله الرحمن الرحيم अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है मोहम्मद तलहा शफीक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कल वापसी पे काफ़ी ज़्यादा स्मोक थी साहिवाल में, तो मैं सर्च करता रहा रात के बेसिक इसकी वजह क्या है। तो जो मेरे सामने चीज़ें आईं वो यही थी कि साहिवाल जो कोल प्लांट इन्होंने 2017 में शरीफ बरादरान ने लगवाया था नवाज शरीफ की दौरे हुकूमत में, उसके जो स्मोक क्राइसिस हैं उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो ये देखें कि पहले 2017 से पहले काफ़ी हेल्दी जो है इंडेक्स था पोल्यूशन का, एयर क्वालिटी का। अब देखें 202 AQI पे वेरी अनहेल्दी, और ये देखें इसके कितने इफ़ेक्ट्स हैं। स्मोक के साइड इफ़ेक्ट्स में स्किन इरिटेशन, आँखों में इरिटेशन, थ्रोट इरिटेशन, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, ये सब जो है वो इसी एयर क्वालिटी के ख़राब होने की वजह से, और इसकी जो इसके पीछे जो रीज़न है वो कोल प्लांट है। तो ये देखें जी, ये इस टाइम मौसम अच्छा नहीं है। ये जितनी भी आपको धुंध नज़र आ रही है ये सारी स्मोग है जो कि साहिवाल में आई हुई है। तो इस वीडियो में इसके सारे डिस्कस करते हैं रीज़न्स, और कैसे इसको बेहतर बनाया जा सकता है एयर क्वालिटी को। तो आप ये देखें, ये मेरे भी काफ़ी इरिटेशन इससे स्किन पे होती है स्मोक से, और आंखों में भी इरिटेशन होती है। बाकी बच्चों के लिए तो ये वैसे बहुत ख़तरनाक है स्मोक, ये उनके सांस का भी मसला बना देती है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, और उनकी आइज़ में भी इरिटेशन होती है। तो ये सारा जी पोल्यूशन का ये एक साइड इफ़ेक्ट है, और ये नवाज शरीफ साहिब का शुक्रिया है, शुक्रिया नवाज शरीफ साहिब के आपने ये हमें एयर पोल्यूशन गिफ्ट की, और एक कोल प्लांट लगाया जिससे कि रोज़ प्लूटेंट्स जो हैं वो फ़िज़ा को आलूदा करते हैं। तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको कुछ चीज़ें समझ आएंगी। 2021 का एक आर्टिकल है जिसको हम डिस्कस करेंगे, तो आप ये वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के मुताबिक स्मोक फिजाई आलूदगी है जो मरेयत को कम करती है। स्मोक की अस्तला पहली बार 1900 की दुहाई के अवाल में धुएं और धुंध के मुरक्कब को बयान करने के लिए इस्तेमाल की गई थी। धुआं मुमान जलते हुए कोयले से निकलता था। सनती इलाकों में स्मोक आम थी और आज भी कुछ शहरों में एक मानूस मंजर है। आज हम जो ज्यादातर स्मोक देखते हैं वो फोटोकेमिकल स्मोक है। साहिवाल कोयले से चलने वाला पावर प्लांट कई लिहाज से मुनफरिद है। ये लाहौर से चंद मील के फासले पर मुल्क की सबसे ज़रफेज़ ज़मीन पर कायम किया गया है। कोयला जनूबी अफ्रीका और इंडोनेशिया से दरामद किया जाता है, जिसे कराची की बंदरगाह पर उतारा जाता है और फिर रेल के जरिए साइट तक पहुंचाया जाता है। इसे भाप पैदा करने के लिए जलाया जाता है, जो 1320 मेगावाट 2660 बिजली पैदा करता है, जबकि हुआ को आलूदा करता है और वहां रात के टीले पैदा करता है। 1700 एकड़ प्राइवेट अराजी मालिकान की मर्जी के खिलाफ मुराद का वादा करके हासिल की गई, जो कि पूरी नहीं हुई। जेर जमीन पानी की सतह तेजी से कम हो रही है, तकरीबन 20 फीट सालाना। मकामी आबादी में सांस और जल्द के मसाइल बहुत ज्यादा हैं। अगरचे मैंने थर कोल की तरक्की की तहरीक की क्यादत की है, लेकिन मैंने कभी भी माहौलियाती इन्हिताक की वजह से इस वसाइल को जलाने की हिमायत नहीं की। 21वीं सदी की कई टेक्नोलॉजीज अब इस्तेफादा के लिए दस्तियाब हैं, जिनमें गैसिफिकेशन शामिल है, ताकि मसनूई कुदरती गैस SNG तैयार की जा सके, जो कि उसी फीसद क्लीनर ईंधन है। बेनजीर भुट्टो के दूसरे दौर हुकूमत में दरामदी ईंधन की बुनियाद पर कैटी बंदर में कोयले से चलने वाले प्लानिटस के क्याम के लिए एक वसी मंसूबा तैयार किया गया था। कोयले के ज्यादातर प्लांट या तो मेरे मुंह पर बनाए गए हैं या नकल वाओ हमल की आसानी के लिए बंदरगाह पर इब्तदाई तौर पर
शरीफ बरादरान ये प्लानेटस कराची से बाहर बनाना चाहते थे, जिसकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत ने मुजाहमत की। आखिरकार भाइयों ने ख्याल लाहौर मुंतकिल कर दिया, जिसके लिए साहिवाल का इंतखाब किया गया। जबकि चैन कोयले से चलने वाले प्लानेटस से दूर हो रहा है, उसने आसानी से इस टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान को उनके लिए इंतहाई मुनाफा बख्श शराइत पर मुंतकिल करने पर रजामंदी जाहिर की। हमारे चीनी दोस्त अब इस कुदरती वसाइल को इस्तेमाल करके कई मुफीद मसनुआत तैयार कर रहे हैं, जिनमें शामिल हैं SNG, यूरिया, एनहाइड्रोस अमोनिया, क्रूड करिसिलिक एसिड, फिनोल, डीजल, नीफथा, टार ऑयल वगैरह। मैं जाती तौर पर 21वीं सदी में कोयला जलाना गुनाह समझता हूँ। नरा है कोयला जिसमें माहौलियाती नुकसान नहीं। माहौलियात के माहिरीन को अमल दरामद के साथ साथ तमाम मुमकिन ऑप्शंस पर गौर करने के लिए शामिल होना होगा, जो कि इस्लामी जम्हूरिया पाकिस्तान में हमेशा गुमशुदा खड़ी रहा है। लेकिन इस दौरान आइए साहिवाल कोल पावर प्लांट को बंद कर दें, ताकि मुसीबत ज़दा आवाम को फौरी रिलीफ मिल सके। लाहौर और साहिवाल उस वक्त बिजली की पैदावार की ज्यादती और सांस लेने के लिए साफ हुआ की किल्लत है। आइए अपने निजाम तनफस को वक्फा दें, उससे पहले कि ये टूट जाए, जिसके नतीजे में एक और वबाई बीमारी पैदा हो जाए, जिसके लिए हम तैयार नहीं हैं। बिजली की पैदावार के लिए कोयले के इस्तेमाल में सिर्फ भारत ही मुनहरिफ है। हाल ही में खत्म होने वाली ग्लासगो माहौलियात कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान ने सस्ती बिजली की जरूरत के लिए अपना मुकदमा पेश किया। मुतबादिल साफ तवानाई की तरफ बढ़ने के लिए ये माली मदद हासिल करने में कामयाब हुआ। मौजूदा समूह क्राइसिस में नई दिल्ली के आसपास कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स बंद हो चुके हैं, जबकि साहिवाल प्लांट लाहौर की फिजा को आलूदा कर रहा है। फौरी कार्रवाई की जरूरत है। पहले प्लांट को बंद किया जाए और फिर उसे थर मुंतकिल किया जाए, जहां मकामी ईंधन के इस्तेमाल से बिजली पैदा की जा रही है। शरीफ बरादरान की पैदा करदा कई आफात में से ये प्लांट नुमाया है। इसके बाद लाहौर की और एनएच ट्रेन दोनों को CPEC चैन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए फंड्स फराहम किए गए। लाहौर की खराब हुआ के मयार को देखते हुए आज स्कूलों को तौसी वीकेंड हफ्ता इतवार पेड़ के लिए बंद रखने का फैसला किया गया है। ये कोविड ब्रेक के सबसे ऊपर है, जिसने माहिरीन तालीम के मैदान में बड़े खलल डाला है। साहिवाल में मौजूदा प्लांट को चीनी ऑपरेटर्स के साथ मिलकर चैन से मुंतकिल किया गया था। कोयले के प्लानेटस की मुंतकली कोई बहुत पेचीदा तरीका कार नहीं है। बर्नर और जनरेटर लगाने के लिए सिर्फ कंक्रीट की बुनियादें डालनी पड़ती हैं। बर्नर्स को इन पट के मयार के मुताबिक डिजाइन किया गया है। घर के सब बटोमींस कोयले पर मौजूदा प्लांट को चलाने के लिए कुछ मामूली तरमीम की जरूरत हो सकती है। लाहौर की मौजूदा समोग की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए ये एक छोटी कीमत अदा करना पड़ सकती है। शरीफ बरादरान के ऐसे कलील मुद्दती एडहाक कुक बैक पर मबनी मंसूबों को कौम की तवील मुद्दती बका के लिए दुरुस्त करना होगा। आज मुल्क की तवानाई और पावर सेक्टर को यकीनन एक बड़ी तब्दीली की जरूरत है। पाकिस्तान दुनिया की महंगी तरीन बिजली और गैस पैदा करता है, जो अवाम के लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। गर्दिशी कर्जा मुसलसल बढ़ रहा है। हुकूमत को पेश की अदायगी करनी पड़ती है, जबकि अवाम लागत को पूरा करने की पोजीशन में नहीं है। फिलहाल ज्यादातर नए पावर प्रोजेक्ट्स हाइड्रो और मकामी कोयले पर मबनी हैं, जिन्हें पुख्ता होने में वक्त लगेगा। कई डैम बन रहे हैं। थर्मल पावर जनरेशन को शहरों से ज्यादातर मेरा या बंदरगाह के मुंह पर मुंतकिल करना पड़ता है। बदकिस्मती से खालिस कोरस की सरजमीन में इसलाह आसान नहीं रही। हर एक के पास बयान करने के लिए एक कहानी है, लेकिन आगे बढ़ने का कोई हल नहीं। ये अंधे लेडी का एक बेहतरीन केस है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस, और इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, इस पे कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को।